Good afternoon, students. I hope all are good and all are watching videos properly. In my last lecture, I explained you about the different organs of UN. Today we are going to continue this chapter from page number 59, agencies of the UN. So all of you be ready with your textbook, page number 59 of chapter number 6, UN, the United Nations. Okay, and again I am telling you that before you watch the video, just pause the video and read this page properly. Read this both the page properly, so it will be more easier for you to understand. Okay, got it? Now there are some different agencies which work under UN. वो सारी agencies पूरे world में different different work करती है. तो क्या उनके नाम है, उनका लोगो कैसा है एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मतलब शॉर्ट में हमें बताया गया है कि वो एजेंसीज क्या वर्क करती है. ओके, सो लेट्स बिगिन. एजेंसीज ऑफ द यूएन. इन एडिशन टू द सिक्स मेन ऑर्गन्स, द यूएन हैज मेनी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज विच वर्क ऑन अ स्पेसिफिक इश्यूज. सम ऑफ दिस आर गिवन बिलो. सिक्स मेन ऑर्गन्स की बात तो हमने ऑलरेडी लास्ट पीरियड में कर ली, और यहाँ पे थोड़े स्पेशल एजेंसीज के बारे में हमें बताया है जो स्पेसिफिक इश्यूज के बारे में, वर्ल्ड के स्पेसिफिक जो भी इश्यूज होते हैं उसके ऊपर वर्क करती है. तो लेट्स स्टडी अबाउट सम ऑफ द एजेंसीज ऑफ द यूएन. द फर्स्ट इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच इज नोन एज WHO. हु अगर आपने अभी न्यूज़ अगर देखते होंगे या आप न्यूज़पेपर रीड करते होंगे ना, तो अभी WHO के बारे में बहुत सारी बात हो रही है, क्योंकि जो भी अभी कोरोना वायरस COVID-19 चल रहा है उसके ऊपर जो वर्क कर रहा है वो है WHO, क्योंकि ये हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है. ये पीपल की हेल्थ के बारे में जो भी इश्यूज होते हैं उसके बारे में ये वर्क करती है, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड. और COVID-19 है, दैट इज एन इश्यू ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो पूरे वर्ल्ड का इश्यू है, इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अभी COVID-19 के लिए वर्क कर रही है. सो दिस इज अ लोगो, यू कैन सी द लोगो ऑफ द एजेंसी. ओके, दिस मे इवन कम इन एन एग्जामिनेशन, सो प्लीज लर्न दिस लोगोज ऑल्सो प्रॉपरली. द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. The WHO aims to achieve the highest possible level of health for the all the people. People की health के बारे में सबसे ज्यादा जो work करता है पूरे world में वो है WHO, the World Health Organization. It works to eradicate epidemics and provide medical care. जब भी कोई भी अभी तो pandemic चल रहा है, लेकिन epidemic मतलब चेपी रोग. ओके, या फिर ऐसी कोई भी बीमारी होती है जिसको दूर करने में, खत्म करने में WHO सबसे ज्यादा वर्क करता है. इट इज ऑल्सो कंसर्न विद द एरियाज ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशियस केयर ऑफ एल्डर्स, चाइल्ड केयर एंड सो ऑन. ये पीपल की हेल्थ के साथ साथ पीपल के फूड के बारे में, वो फूड में पूरा न्यूट्रिशियस मिल रहा है, वो एल्डर्स की केयर, चाइल्ड की केयर, ये सारी चीजें WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपने अंडर कवर करता है. सो दिस इज द फर्स्ट एजेंसी ऑफ द UN, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क फॉर द पीपल्स हेल्थ. अंडरस्टूड? Now next is food. Sorry, beta. Food and Agriculture Organization, FAO. FAO उनका short form है. Second आपको उसका logo दिख रहा है कि FAO Food and Agriculture Organization का logo कैसा है, और उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो क्या वर्क करता है. द मेन टास्क ऑफ द FAO आर द हेल्प इम्प्रूव फूड प्रोडक्शन एंड टू एंड स्टारवेशन. पीपल में फूड प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज किया जाता है ये ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए वर्क करती है. और एंड ऑफ स्टारवेशन, स्टार्व करना मतलब भूख से मरना,
कई ऐसे पीपल होते हैं कि जिसको बिल्कुल खाना नहीं मिलता है, खाना होता ही नहीं है, ऐसी परिस्थिति होती है, तब FAO जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फूड प्रोवाइड करती है ऐसे लोगों को और एंड स्टार्वेशन, मतलब भूख से जो मर रहे हैं उसको एंड करती है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ, उसको हम कहते हैं शॉर्ट में UNICEF, यूनिसेफ। ओके, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशनल फंड्स, पर यहाँ पे उसका शॉर्ट दिया यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। सेकंड है उसका लोगो, ये चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए वर्क करती है। ओके, द यूनिसेफ वर्क्स फॉर द राइट ऑफ चिल्ड्रन इंक्लूडिंग कंसर्न रिगार्डिंग द एजुकेशन एंड हेल्थ, ये चिल्ड्रन के राइट के लिए वर्क करती है, उनके एजुकेशन के लिए, उनके हेल्थ के लिए वर्क करती है यूनिसेफ। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू द चिल्ड्रन एंड मदर्स, कई ऐसे मदर्स होती है जिसको न्यूट्रिशन फूड नहीं मिलता बच्चों के, उनके मतलब उनके जब बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चों की कोई सुविधाएं नहीं होती, तो ये सारी चीजें प्रोवाइड करती है यूनिसेफ। जो भी पॉवर्टी लाइन नीचे है, पुअर बच्चे है, पुअर मदर्स है, जो अपने बच्चों की केयर नहीं कर सकते, उनको न्यूट्रिशियस फूड नहीं दे सकते, उनके पास उनको केयर करने के लिए कुछ भी साधन, कुछ पैसे नहीं होते, तो ये सारी चीजें यूनिसेफ प्रोवाइड करती है और यूनिसेफ चिल्ड्रन और मदर के लिए भी वर्क करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन विच इज नोन एज UNESCO, यूनेस्को, इसका शॉर्ट फॉर्म है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसका लोगो भी आप देख सकते हो कैसा है। ये ऑर्गेनाइजेशन दो चीजों के लिए वर्क करती है, कौन सी, द यूनेस्को हेल्प इन इम्प्रूविंग एजुकेशन वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में एजुकेशन बेटर तरीके से मिले, बेटर एजुकेशन सिस्टम हो, ये सारी चीजें यूनेस्को अपने अंडर देखती है। और सेकंड, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल एंड कल्चरल साइट्स अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो हिस्टोरिकल साइट्स है, पूरे पुराने जमाने की, एशियन टाइम की जितनी भी है, जैसे कि हमारे हमारे इंडिया में है लाल किला है, कुतुब मीनार है, ताजमहल है, देर आर मोर एज अ हिस्टोरिकल साइट्स, तो पूरे वर्ल्ड में ऐसे जैसे हिस्टोरिकल साइट्स है उसको केयर करती है यूनेस्को। ओके, तो दो चीजें हो गई, एक तो वर्ल्ड वाइड एजुकेशन प्रोवाइड करती है, मतलब एजुकेशन कंडीशन प्रोवाइड करती है और एजुकेशन किस तरह का है वो देखती है, एंड सेकंडली हमारी हेरिटेज, मतलब हमारे पुराने हमारी एशियन जो भी बिल्डिंग्स है, एशियन साइट्स है, हिस्टोरिकल साइट्स है, उसको भी मेंटेन करती है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, आप देख सकते हो ILO का कैसा है सिंबल, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ये नाम है इस तरह से हमें पता चल जाता है कि ये लेबर के लिए, हमारे वर्किंग कंडीशन के लिए वर्क करता है। लेट्स सी उसके डिस्क्रिप्शंस में देखते हैं कि क्या है। द ILO seeks to promote better working conditions and standard of work in the world. People की working condition better हो, सबको अच्छे से work मिले, सबके बीच में equality हो, सबको equal opportunity मिले, कोई भी बेरोजगार ना रहे, सबको सब employed हो, ये सारी चीजें करती है International Labour Organization. It also work to promote equal opportunity and abolition of forced labor. किसी को फोर्सफुली लेबर का काम ना करना पड़े और सब, कई बार अगर आपने सुना हो ना बेटा, तो आजकल इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, जिसको जॉब नहीं मिलती है, इतने हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं, हाईली प्रोफाइल लोग होते हैं, अच्छी डिग्रीज होती है, खुद स्टडी किया होता है, लेकिन उनको उनकी मतलब वो जितना स्टडी किया है वो लेवल की उनको जॉब नहीं मिलती है,
तो ये सारी बातें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन उसको ठीक करती है, ऐसे लोगों को जिसकी जिसकी कैपेबिलिटीज है, जिसकी जितनी पोटेंशियल है, उस तरह की जॉब उनको प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करती है। आजकल ऐसा भी होता है कि हाईली प्रोफाइल लोग, हाईली एजुकेटेड लोगों को एकदम छोटा सा काम करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि उसको जॉब नहीं मिलती। तो इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन का काम ही यही है कि वो सबको इक्वल राइट्स मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, और कोई किसी को लेबर वर्क के लिए फोर्स ना किया जाए या लेबर वर्क ना करना पड़े। लेबर मतलब मजदूरी, मजूर वर्क, ओके, ऐसा काम ना करना पड़े, फोर्सफुली ना करना पड़े, इसके लिए ये वर्क करती है, ओके। और सबके वर्क कंडीशन, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ वर्क का भी ख्याल करती है। कौन? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मॉनेटरी मतलब पैसा, फंड मतलब किसी को पैसा देना। तो इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड क्या करता है? इसका हम शॉर्ट फॉर्म है IMF, ओके, और इसका सिंबल भी आप देख सकते हो कि कैसा है, ओके। द IMF प्रोवाइड्स टेम्पररी फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कंट्रीज विद एन एम टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। कोई कोई कंट्रीज हमारे वर्ल्ड में ऐसे है कि जो बहुत ही गरीब है, मतलब वो कंट्री इतने इतने मतलब उतने उसके पास पैसे नहीं है, कोई वर्क करने के लिए कोई फाइनेंस नहीं है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वो कंट्री को फाइनेंस करती है। फाइनेंस करती है मतलब अगर हम सिंपल वर्ड में बोले तो वो कंट्री को पैसे देती है, उधार पैसे जो हमें वापस चुकाने होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसे से वो कंट्री की इकोनॉमी हाई होगी और अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा और सबको जॉब भी मिलेगी, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ वर्क ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। जितना वर्क इम्प्रूव होगा उतने एम्प्लॉय चाहिए होंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी। तो ये फंड देते हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF, जिस कंट्री को जरूरत होती है वो कंट्री को फंड देती है, पैसे देती है टेम्पररी बेस पे, फिर उनको वो कंट्री को वापस भी करने होते हैं, लेकिन उनका टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड के अंदर उसको रुष्ट चुकाने होते हैं। अंडरस्टूड? आई होप आपको ये सिक्स एजेंसीज के बारे में अच्छे से सब बात पता चल गया होगा। सबसे पहली एजेंसी के बारे में बात की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जो सबकी हेल्थ के बारे में सोचती है, हमारे वर्ल्ड की हेल्थ लेवल सुधारती है। सेकंड, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वो फूड प्रोडक्शन के बारे में सोचती है एंड एंड ऑफ स्टारवेशन, कोई भी भूखा ना रहे उसके लिए भी वर्क करती है। नेक्स्ट है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ये चिल्ड्रन की एजुकेशन के ऊपर वर्क करती है, मदर और चिल्ड्रन को जो भी असिस्टेंट चाहिए, जो भी उनको सलाह चाहिए, जो भी उनकी नेसेसिटी हो वो सारी यूनिसेफ पूरी करती है। नेक्स्ट इज यूनेस्को, यूनेस्को दो चीजों के लिए वर्क करती है, एक वर्ल्ड वाइड एजुकेशन इम्प्रूव हो उसके लिए, और सेकंडली हमारी हेरिटेज, हमारी हिस्टोरिकल साइट्स को प्रोटेक्ट करती है और उनको मेंटेन करती है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो स्टैंडर्ड ऑफ वर्क इम्प्रूव करती है, अनएम्प्लॉयमेंट मिटाती है और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले वर्क का वो देखती है, और किसी को फोर्सफुली लेबर वर्क ना करना पड़े, ये सारे वर्क इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO देखती है। लास्ट है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड क्या है कि जो देश को पैसे की जरूरत है वो देश को वो लोग टेम्पररी फाइनेंस देती है, जिससे उनके वर्क स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो, और वर्क स्टैंडर्ड्स इंप्रूव कैसे होते हैं, क्या होंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा, सबको जॉब मिलेगी, इस तरह से वर्क इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड करती है। आई होप आपको जितना ये लेक्चर में मैंने जितना आपको एक्सप्लेन किया है वो आपको क्लियरली समझ में आ गया है। फिर भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी ना समझ में आया हो, तो आपको पता है आपको क्या करना है, यू में आस्क मी ऑन अ कमेंट बॉक्स और ऑन अ वेबसाइट, ओके। चलो, आई विल कैच यू अगेन इन द नेक्स्ट पीरियड, टिल देन बाय बाय।